आरजेडी के लिए कांग्रेस की कुछ तो मजबूरियां हैं जो बिहार में साफ दिखती है। क्या कांग्रेस 2009 के लोकसभा चुनाव की तरह ही इस बार अपने दम पर अकेले बिहार में चुनाव लड़ेगी, या फिर कांग्रेस को ये लगता है कि 2009 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस ने अकेले दम पर चुनाव लड़ा था, अगर इस बार वो बिहार में चुनाव लड़ती है तो एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। हालांकि 2009 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ दो सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो स्थिति अभी कांग्रेस और आरजेडी के बीच दिख रही है, कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट भी हो सकती है। क्या है पूरी खबर, आपको विस्तार से समझाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम श्रुति झा है और विस्तार न्यूज पर आपका स्वागत है। साल 1998 में कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन बना और उसके बाद से लालू की जो छाया रही पार्टी में वो अब तक बरकरार है, पार्टी उससे अलग नहीं हट पाई है। और देखिए, जो ओहदा रहा है लालू का वो कहीं ना कहीं अब भी बिहार में दिखता है। और जब भी कांग्रेस ने, हालांकि एक बार ही कांग्रेस ने खुद के दम पर बिहार में चुनाव लड़ा है, लोकसभा चुनाव, लेकिन उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। फिर उसके बाद कांग्रेस मजबूर हो गई और आरजेडी के साथ फिर से उन्होंने गठबंधन कर लिया कांग्रेस पार्टी ने, और फिर 2014 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा। 2009 के लोकसभा चुनाव में महज दो सीटों पर ही कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। आपको याद होगा उस समय लोजपा, आरजेडी और कांग्रेस तीनों का गठबंधन था 2009 के लोकसभा चुनाव में, और उस समय आरजेडी और लोजपा ने इनको चार सीटें ऑफर की थी कांग्रेस को। फिर कांग्रेस ने इसको लेकर साफ इनकारी जाहिर की थी, उसके बाद वो अकेले दम पर मैदान में उतरी थी और दो सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की थी। बिहार में कभी जुगाड़ से अल्पमत की सरकार चलाने वाले लालू प्रसाद यादव ने बाद में कांग्रेस के बूते ही अपनी सियासी पकड़ मजबूत की है, ये कहना भी गलत नहीं होगा। बाद में धीरे धीरे लालू यादव ने कांग्रेस के ही बेस वोट बैंक में सेंधमारी करनी शुरू कर दी। लालू यादव ने जिस MY समीकरण के बूते लंबे अरसे तक बिहार में सरकार चलाई, उसका M यानी मुस्लिम कभी कांग्रेस का बेस वोटर हुआ करता था। सामाजिक समीकरणों के हिसाब से अगर देखें तो अनुसूचित जाति और सवर्ण वोटर्स भी कभी कांग्रेस का बेस वोट हुआ करते थे। बाद में अनुसूचित जाति और पिछड़ी जातियों का जुड़ाव जो है वो लालू यादव के साथ होता गया और आरजेडी की अगड़ा बनाम पिछड़ा पॉलिटिक्स का नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा। सवर्ण वोटर्स कांग्रेस से दूर होते चले गए और बीजेपी को इसका सीधे तरीके से लाभ मिलता गया। अब ये भी जानिए कि बिहार में आरजेडी और कांग्रेस कब कब अकेले चुनाव लड़ी है। देखिए, अगर बिहार विधानसभा की बात करें तो बिहार विधानसभा साल 2000, साल 2005 और साल 2010, इन तीनों सालों में बिहार विधानसभा चुनाव हुए थे और इन चुनावों में कांग्रेस और आरजेडी अपने अपने दम पर चुनाव लड़ी थी। कितनी कितनी सीटें मिली थी वो आपको बता देते हैं। देखिए, साल 2000 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस ने बतौर गठबंधन चुनाव लड़ा था। तब आरजेडी को 124 और कांग्रेस को 23 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। और साल 2005 के फरवरी में हुआ जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस को 10 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि आरजेडी को 75 सीटों पर जीत मिली थी। अब 2009 के लोकसभा चुनाव में, जो मैंने शुरू में आपको बताया, 2009 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस अलग अलग लड़ी थी। आरजेडी ने अपने दम पर चुनाव लड़ा था जिसमें महज दो सीटों पर ही कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। और अगर 2010 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2010 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी को 22 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस को 4 सीटों पर जीत मिली थी। फिलहाल बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो सीटों का पेच फंसा हुआ है वो अब तक खत्म नहीं हुआ है। अब तक सीट बंटवारा नहीं हुआ है कि किसके खाते में कितनी सीटें जाएगी। पूर्णिया सीट को लेकर जो सस्पेंस था वो कल खत्म हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहना भी गलत नहीं होगा कि पूर्णिया सीट को लेकर जो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट पप्पू यादव या फिर कांग्रेस दिख रही थी, उस सीट पर भी आरजेडी ने अपनी पकड़ बनाई, अपनी पकड़ दिखाई और आरजेडी ने अपनी बीमा भारती को इस सीट से मैदान में उतारा। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं आरजेडी बिहार में मजबूरी ज़रूर बनती दिख रही है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट रेहान खान के साथ मैं श्रुति, विस्तार न्यूज़, दिल्ली।